मंडप तैयार है और बारात भी निकल चुकी है, जो आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। और अब मेरी बारी है, मतलब मेरी एंट्री होगी। लेकिन उसके पहले, बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, हेलो हाय नमस्ते, आई एम माय शैडो बीट्स एंड योर पल्लवी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल द लव शादी वाले कॉन्टेंट में, वेडिंग कॉन्टेंट में, और इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में भी। एंड आई एम जस्ट फीलिंग रियली स्पेशल राइट नाउ। लेट्स स्टार्ट पार्ट 4 ऑफ शादी। तो बारात जब गेट पे लग गई थी, उसके बाद मिलनी होती है, जो दोनों साइड के समधी होते हैं वो मिलते हैं। सो, उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास और हैरी के पास भी नहीं है। अगर होगी तो हैरी आप प्लीज़ मुझे बाद में भेज देना, सो दैट आई कैन क्लब इट हेयर। सो फिलहाल मैं फ़ोटो से ही काम चला रही हूँ। सो मेरे पापा, तो कविता के पापा सचिन के साइड से समधी मिल रहे हैं, क्योंकि सचिन के मॉम डैड नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। एंड एज़ बिफोर आई हैव सेड कि हमने अपनी शादी में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ गेस्ट बुलाए थे, मतलब बहुत ही कम। सो इसलिए कविता के जो डैड है, मेरे भाभी के जो पापा हैं, वो सचिन के साइड से मेरे पापा इस समधी मिल रहे हैं। क्या आयरनी है ना, मतलब देखो, एक्चुअली भाई की शादी में दोनों समधी नहीं मिल पाए थे, क्योंकि कविता के घर में किसी की डेथ हो गई थी और छूतक हो गया था, बट यहाँ दे आर डूइंग दिस अगेन। और ये सचिन के मामा के बेटे, और ये बीच में जो है, ये हैं बड़े भैया, सबसे बड़े वाले भैया इंदर भैया। ये तीन सचिन के साइड से इन्होंने समधी मिला, हमारे साइड से बड़े वाले भैया जो मेरे बुआ के बेटे थे, उन्होंने, पापा ने। सो इट वॉज़ रियली नाइस, बट वीडियो रहती तो बात अलग होती उसकी। हैरी प्लीज़ वीडियो ढूंढ के दे दो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर मैसेज सिंस मॉर्निंग। और अब मैंने पिक्चर से ही काम चला लिया, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पिक्चर्स देख के ही, बट दिस वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। अब तो कविता और सचिन के दो दो रिलेशन हैं, कविता के सचिन जिया जी भी लग गए, और अब तो भाई लग गए ना, पापा ने पापा से समधी मिल लिया है ना कविता। तो अब ये भाई सचिन को मंडप पे लेके जा रहे हैं। समहाउ आई मैनेज्ड ये वाली क्लिप फ़ोन से, किसी दूसरे से मांग के, बाकी कैमरा में तो है ही नहीं शायद कहीं पे वो क्लिप। भाभी हैं, बुआ के बेटे, और ये हो रही है गाल सिकाई, समथिंग दे कॉल इट, मतलब जिसमें पान के पत्तों से ऐसे दूल्हे के गाल को सेकते हैं।
पता नहीं क्या बोल रहा है पीछे से, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो हैंडसम, सचिन इज लुकिंग स्मार्ट ना, नाइस। हाँ बहुत मेहनत की थी मैंने अपने लहंगे के साथ साथ इसके कपड़ों में भी भैया, मतलब जो चांदनी चौक के चक्कर काटे हैं ना मैंने, उसका ब्लॉग भी आएगा आफ्टर आई एम डन विद माई शादी ब्लॉग, सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अरे रुको यार, चले प्रेक्षा दी जल्दी आओ नीचे। आ रही हूँ जल्दी, जैसे भी रेडी हुए हो। आ रही हूँ आ रही हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे। रुको एक वीडियो ले रही हूँ निकलते हुए। चलो जाओ पीछे आओ। ठीक है, पीछे से नहीं लोगे आप वीडियो? यहाँ पे नहीं, इधर से लोगे। चलो नीचे। आप जब लिफ्ट में जाओगे ना तो आप ही आगे रहना ग्लास वाली साइड पे और फेस इस साइड रखो। ठीक है। अरे रुको, सारे नीचे ही खड़े हैं मेरे दो। हाँ सबको रिएक्शंस नहीं देना है। हाँ वही। अरे यार रुको 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 रुको, उधर रहो उधर। शॉट लेना। अरे सबको आ जाएंगे यहाँ, वहाँ कोई सब नीचे से क्या देखें। इधर से क्लीनिंग है यहाँ। तुषार को बुलाओ ना। अरे यार तुषार भी बिजी है। नहीं बुलाओ तुषार को। इसका नहीं लेना पीछे का। कैन यू गेट अ सो रॉट सो गुड सो गुड। चलो नहीं जाना है। आई रियली वांट टू। इट्स ओके पल्लवी, तू इट्स ओके, चल चल, कुछ भी नहीं हुआ है, सब सही है एकदम। कैसा लग रहा है लहंगा वेदी कलर है ना पल्लवी? इट इज बियॉन्ड। अरे रहने मैं निकल लूंगी उसके बाद। हाँ रुक जा, मैं क्या ये ऑन भी करती हूँ, हटा दे। रुको रुको चीकू, डोंग बना रहे हो ना ये पोर्ट्रेट? ठीक है पोर्ट्रेट मतलब ऐसा व्हील्स के लिए बस हो जाएगा गाइस। कोई नहीं आ जाओ। देख ही नहीं रहा।
खुद ही समझ आ रहा है। मम्मी हुशार भैया, मम्मी इधर आ गई। हाँ मैं बोलता हूँ। 2 मिनट पापा को भी बोलेगा ना। खुशहाल वाइड है ना, क्यों शॉट ले लेते हैं। पापा को बोलो ना, वो व्हाइट वाले के पास जो पंडाल बना हुआ है ना, वहाँ पे जाके स्टैंड रहेंगे। सब मैनेज कर रहे हैं। हाय, मैं जल रही हूँ बहुत ज़्यादा। कौन बोला था उसको? फोटो। फोटो अच्छी आती है। फोटो। तो चुप रहे, तू ही गई थी मेरे साथ लेने। हाँ, जाते नहीं अच्छा लगेगा, ये अंदर नहीं लगेगा। Thank you.
एंट्री देख के बड़ा मजा आया होगा, मतलब सचिन ने जो मुझे गोद में उठाया दैट वाज अ टोटल सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि वो कभी ऐसे पब्लिक में इतना, मतलब मैंने तो करते हुए उसको नहीं देखा है, बट या इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, मतलब आई वाज लाइक ब्लोन अवे, मतलब आई वाज बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस से, आई वाज हैप्पी आल्सो एंड आई वाज सरप्राइज्ड आल्सो विद सच स्वीट जेस्चर फ्रॉम सचिन. But yes, I love you so much and I hope आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा. मज़ा तो आता ही होगा मेरे शादी के वीडियोस देख करके. तो चलो सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो, लाइक कॉमेंट शेयर भी करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में विच विल बी लाइक शादी का पार्ट 5. सो स्टे ट्यून्ड, कीप लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड कॉमेंटिंग.